नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंसुलिन इंजेक्शन के द्वारा मधुमेह के उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। इंसुलिन थेरेपी मधुमेह के उपचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंसुलिन मधुमेह के मरीजों में बढ़ी हुई ब्लड शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने की एक बहुत ही कारगर दवाई है, लेकिन जब भी मधुमेह के मरीजों में इंसुलिन इंजेक्शन को शुरू किया जाता है तो वे इंसुलिन इंजेक्शन के बारे में सुनकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें रोज इंसुलिन इंजेक्शन को लगवाने के लिए किसी पर निर्भर रहना पड़ेगा तथा इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के दौरान सुई के चुभने से होने वाले दर्द को रोज सहना पड़ेगा। इंसुलिन इंजेक्शन के बारे में पूर्ण तथा सटीक जानकारी के अभाव में मधुमेह के मरीज खुद से इंसुलिन इंजेक्शन को लेने के लिए असमर्थ महसूस करते हैं। मधुमेह के मरीज को इंसुलिन देने के तीन प्रकार के तरीके हैं जिसके द्वारा इंसुलिन को शरीर में दाखिल किया जा सकता है। पहला तरीका है इंसुलिन वायल्स तथा सिरिंजेस के द्वारा, दूसरा तरीका है इंसुलिन पेन के द्वारा तथा तीसरा तरीका है इंसुलिन पंप के द्वारा। आपके डॉक्टर जब भी आपको इंसुलिन शुरू करते हैं तो वह इंसुलिन अलग अलग तरीके या स्ट्रेंथ का हो सकता है। मधुमेह के मरीज को इस बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन सी स्ट्रेंथ वाली इंसुलिन का उपयोग कर रहे हैं। इंसुलिन स्ट्रेंथ के अनुसार इंसुलिन सिरिंजेस का सही चुनाव इंसुलिन थेरेपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बारे में मधुमेह के मरीज को पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। मुख्यतः इंसुलिन दो प्रकार की स्ट्रेंथ में उपलब्ध होता है। एक स्ट्रेंथ होती है 100 IU पर ml और दूसरी स्ट्रेंथ होती है 40 IU पर ml। अगर आप 40 IU पर ml वाली इंसुलिन स्ट्रेंथ का उपयोग कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी रखना जरूरी है कि आपकी इंसुलिन की बोतल पर 40 IU पर ml लिखा होना जरूरी है, तभी आप 40 IU वाली इंसुलिन सिरिंजेस का उपयोग करेंगे। अगर आप 100 IU पर ml वाली इंसुलिन स्ट्रेंथ का उपयोग कर रहे हैं तो आपकी इंसुलिन की बोतल पर भी 100 IU पर ml लिखा होना चाहिए, तभी आप 100 IU पर ml वाली इंसुलिन सिरिंजेस का उपयोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार 100 IU पर ml की इंसुलिन सिरिंज की कैप का रंग ऑरेंज होता है तथा 40 IU पर ml की इंसुलिन सिरिंज की कैप का रंग लाल या रेड होता है। जब भी आप इंसुलिन का उपयोग कर रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपको अपनी इंसुलिन की स्ट्रेंथ के अनुसार सही इंसुलिन सिरिंज का चुनाव करना है। अगर आप 40 IU पर ml की इंसुलिन स्ट्रेंथ का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ आपको 40 IU की सिरिंज का उपयोग करना है जिसकी कैप का रंग लाल होता है। अगर आप 100 IU पर ml की इंसुलिन स्ट्रेंथ का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ आपको 100 IU पर ml की सिरिंज का उपयोग करना है जिसकी कैप का रंग ऑरेंज होता है। याद रखिए, इंसुलिन शुगर कंट्रोल करने की एक बहुत ही बेहतरीन दवाई है, इसलिए इंसुलिन से घबराएं नहीं बल्कि इंसुलिन की सही जानकारी के द्वारा इंसुलिन के सही इस्तेमाल के प्रति जागरूक बनिए। धन्यवाद।